नमस्कार। ये पिछली वीडियो में मैंने ये सॉक्स बनाना बताया था आपको, इस तरह की सॉक्स ही। तो ये तो बना लिया था मैंने, इतना हिस्सा बना लिया था। पर ये मैं अब ये आपको पंजा इसका निकालना निकाल के दिखाऊंगी इस वीडियो में। यहाँ से शुरू होगा पंजा यहाँ तक। तो वैसे आप इस तरह से भी बना सकते हैं, चाहे आपका पाँव हल्का है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, है भी नहीं है, तो जो है आप इस तरह से भी सिल सकते हैं इसको। पहले यहाँ से सिल लीजिए, फिर यहाँ से सिल के इस तरह से भी आप पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगी। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ से फंदे उठा के इस पर फिर पंजा निकालूँगी। पहले यहाँ से सिल लेंगे इसे, इसको इस तरह से उल्टी साइड से हम सिल लेंगे। देखिए किस तरह सिलना है, मैंने उल्टा कर दिया इसे। यहाँ से सिल लेंगे, इधर से नोक मिला देंगे इसकी ऐसे, और इस तरह से हम इसे किनारे किनारे से सिल देंगे ऐसे। सिल गया हमारा ये, इसको हम नॉट लगा देंगे, धागा कट कर देंगे। देखिए इस तरह से आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। फिर हम यहाँ से फंदे उठाएंगे पूरे में ऐसे, इधर ऐसे गोलाई में यहाँ तक, जितनी हमारी ये चेन सी बनी है ऐसे, चेन हर चेन में से उठाना है हमने एक एक करके। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, आपको जिस साइड से भी शुरू करना हो, चाहे इधर से आपको सही लग रहा, मेरे को इधर से सही लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से उठाऊँगी। यहाँ पे पहले धागे को हम ऐसे बांध देंगे, तरह से नॉट लगा देंगे एक, फिर फंदे उठाएंगे इस तरह से। एक फंदा ये उठ जाएगा किनारे से, फिर दूसरा, ये चेन दिख रही है, हर चेन में से हमने एक एक फंदा उठाना है इस तरह से ऐसे। फिर ये वाली चेन, इस धागे को भी अंदर दबा देते हैं हम, थोड़ा बाहर नहीं दिखेगा, फिर ये ऐसे इस तरह से उठाना है। फिर ये वाली चेन ऐसे उठाते जाएंगे हम, ये दिख रही है चेन बन, जो किनारे एक फंदा छोड़ के हम बनाते हैं, तो इस तरह से ये चेन से आ जाती है हमारी। तो इसमें आसानी होती है, फंदे उठाने होते हैं कहीं पे हमने यदि, या सिलना होता है, तो इसमें बहुत आसानी होती है। इस तरह से उठाएंगे, फटाफट उठाए जा रहे हैं, देखिए ऐसे उठाते जाएंगे हम इस तरह से, और पूरे यहाँ तक उठा लेंगे हमें जितने भी फंदे उठेंगे। देखिए पूरे यहाँ से भी उठा लेंगे हम इस तरह से। देखिए पूरे फंदे मेरे उठ गए यहाँ तक, ये हमारे टोटल ये 85 85 फंदे हैं, ये 85 फंदे होने चाहिए, 85 फंदे हैं। तो अब हम एक लाइन ये पूरी बना लेंगे, एक लाइन उल्टी उल्टी बना लूँगी मैं, सीधी सीधी जो जैसे ही बनानी हो, सीधा सीधा बना रही थी मैं, सीधा ही बनाऊँगी फिर, चाहे आप उल्टा उल्टा बनाएं तो पूरी उल्टी सीधी दोनों लाइन उल्टी बनानी होगी, ये मैं सीधा सीधा बना रही हूँ पूरी एक लाइन में। यहाँ तक निकाल के आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से हम बनाते जाएंगे लास्ट तक। बीच का दिखा देती हूँ मैं आपको थोड़ा, यहाँ पे भी सारा हमने इस तरह से बनाना है लास्ट तक। लास्ट तक ये बन गई मेरी उल्टी सिलाई, बनाई हमने सीधी सीधी है, अब ये सीधी सिलाई हमारी, सीधी सिलाई हम सीधी सिलाई आधी बुनेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह करना है। यहाँ तक बुन लूँगी मैं, फिर मैं दिखाऊँगी आपको किस तरह बनाना है। मैं सेकंड सिलाई, दूसरी सिलाई में यहाँ से बनाती हुई गई मैं सीधा सीधा, अरे 40 फंदे बना लिए मैंने, 40 फंदे बना लिए, 40 फंदे के बाद 40 इधर रहेंगे, तो ये हम 7 फंदे जो बीच में रहेंगे, 7 फंदों पर हम ये 2 का एक करेंगे अभी, 1 2 3
चार और एक ही पांच, ये बीच का सेंटर हो जाएगा पांचवा, ये सिलाई जहाँ पे आई थी हमारी, और ये छः और ये सात, सात सातवां फंदा जो है, छः फंदे बना के सातवें फंदे पे एक ही सातवां फंदा और एक इधर का फंदा, इनका दो का एक करेंगे हम, एक ही इधर का फंदा इसका दो का एक करके इस तरह से दो का एक करा, फिर यहीं से हम घूम जाएंगे वापस, इसको बनाना नहीं है, यहीं से घूम के धागा नीचे कर देंगे और फिर इसको बिना बुने ले लेंगे, इस फंदे को जो हमने बनाया इसको बिना बुने ले लिया, फिर इस तरह से हम ये एक दो तीन चार, तीन चार पाँच छ, अरे सातवां फंदा है जो दो चार छ, अरे इधर का फिर सातवां फंदा है जो इसके साथ, इसको इस तरह से दो का एक कर देना है, यहाँ से भी यहाँ से दो का एक करेंगे ऐसे, फिर यहीं से घूम जाएंगे, यहीं से घूम जाएंगे, धागा नीचे कर लेंगे, फिर इसको बुने हुए को दो का एक किया जो हमने, इसको बिना बुने ले लेंगे ऐसे, और फिर हम छः फंदे बुन लेंगे फिर से, एक एक ही हो गया, एक दो और ये तीन चार पाँच और छः, छः फंदे बुन के फिर सातवां फंदा जो है इसके साथ सातवां, अरे आठवां इधर से ले लेंगे हम दो का एक करने के लिए, दो का एक करेंगे इस तरह से, इस तरह से हमारे फंदे घटते जाएंगे, यहाँ के फंदे घटते जाएंगे इस तरह, नीचे कर लेंगे धागा, इसको बुना बुने ले लेंगे, तीन फंदे चार पाँच छः, अरे सातवां फंदा आठवां फंदा, हर सिलाई में हमें हर इस तरफ से घटाना है एक दफ़े, सातवां और आठवां इस बीच के फंदों का सातवां फंदा लेना है और यहाँ का एक फंदा और दो का एक कर देना, फिर वहीं से घूम जाना है हमने, फिर धागा नीचे कर देना, धागा नीचे करके फिर इसको बिना बुने ले लेना, जो हमने बुन लिया था उसको बिना बुने लेके फिर से हमने छः फंदे बुन लेने, छः फंदे बुन के फिर ये सातवां फंदा जो है फिर से इसी तरह से करेंगे, ये दो का एक हो गया, फिर यहीं से घूम जाना है हमने, धागा चाहे यहीं पर नीचे कर लीजिए आप ऐसे, और इसी तरह से एक दफ़े हमें यहाँ से घटाना है, सीधी साइड से हमें यहाँ से घटाना है, फिर उल्टी साइड आए तो यहाँ से घटा देना, ऐसे घटते घटते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से बनते हुए गए, यहाँ से घटते गए घटते गए यहाँ तक आ गई मैं, अभी अभी इतने फंदे रह रखे, ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ये छः फंदे बुन के दो का एक कर दिया, यहीं से घूम गए, धागा नीचे करके बुना हुआ फंदा बिना बुने ले लिए, फिर उल्टे उल्टे छः बुन देने, सीधे सीधे छः बुन के फिर इधर से भी दो का एक करेंगे, ऐसे दो का एक करते हुए जाना है बस, इधर से भी फिर धागा यहीं से घुमा देना है, यहाँ से घूम जाना है, यहाँ से फिर छः दो का एक इस तरह से करते हुए ऐसे आता रहेगा हमारा फंदे। देखिए इतना बुनते हम लास्ट में आ गए हैं, ये हमारे अब छः पाँच छः फंदे बचे इधर छः इधर, तो हमने घटाते जाएंगे हमारे बीच के फंदे, फिर इनको भी हमने घटाना है, इनको ये नहीं तो ऐसे रह जाएंगे, यदि यहीं से ऐसे घटाते रहेंगे हम तो इनको भी हम घटाते जाएंगे, अब इस बारे में हमारी ये एड़ी की सेप भी आ जाएगी, तो ये हमें दो एक के बदले यहाँ से दो लेने हैं, इधर बीच से दो फंदे ले कर हमने घटा देना, एक यहाँ का ले लिया और ये दो फंदे हमने बीच के ले लेने, बीच के जो सात फंदे हमारे उनको ही घटा लेना है ऐसे करके, तीन बना दिए इस बारी में मैंने, तीन घटा के यहीं से मुड़ गए, धागा नीचे करा, इसको बिना बुने ले लिया, और फिर हम पांच बुनेंगे, अब पांच है चार बुनेंगे, ये अब चार फंदे बुन है हमारे चार, इन दोनों को घटा देना है इसके साथ, एक इधर का ले कर और दो इधर के इनको घटा देना है तरह से, फिर यहीं से घूम जाएंगे, इसको बिना बुने लेके अब एक बुनेंगे दो बुनेंगे, तो तीन हो गए हमारे, इन तीनों को घटा देंगे, एक इधर का लेके और दो ये इन दोनों का एक कर देंगे ऐसे, देखिए इस तरह से ऐसे नॉक से आ जाएगी एड़ी की बन जाएगी, अब ये तीन का एक कर देंगे हम,
अब इस तरह से ये तीन का एक कर देंगे, तीन का एक कर दिया। अब इसमें धागा डाल के इसको नोट लगा के कट कर देंगे, इस तरह से नोट लगा के धागे को कट कर देंगे। हम सिल इसे सिल देंगे, यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से बस इतनी सिलाई आएगी इसमें। सिल गया हमारा ये सॉक्स, नोट लगा लेंगे और धागा कट करके देखिए अभी सिल दिया है हमने, सीधी कर देंगे सॉक्स को। ये बन गई हमारी सॉक्स, तैयार हो गई दूसरी सॉक्स भी। इस तरह से देखिए बहुत सुंदर लग रही है देखने में मेरे। ये आपको ये सॉक्स का बूट्स का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।